उसका परिणाम आज ही और अभी मिले जरूरी नहीं है। कुछ भी गलत सोचेंगे भी, गलत हैबिट्स भी आप रखेंगे, तो हो सकता है आज उसका परिणाम नहीं दिखाई दे, आज से 10 साल बाद आपका परिणाम दिखाई दे। जब आपका दोस्त आपका बॉस बन के सामने खड़ा हो तो आपको याद आई, काश मैं भी उस समय ऐसे ही पढ़ लेता। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, स्क्रीन पर इतना एक्टिव नहीं होता तो आज मैं भी कुछ बेहतर कर रहा होता, क्योंकि उस समय आपने अपना जो है बार बार अपनी मर्जी से देखना, ना टीचर का कहना मानना, ना पेरेंट्स की बात सुनना, जो कुछ भी करेंगे तो वो भी एक तरह का, जैसे मैडम ने सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बात की है, वो हमें इफेक्ट करता है। इसके परिणाम हमें बहुत सालों बाद दिखाई देते हैं, इसलिए प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन लाइफ में हर जगह रखना जरूरी है। और जैसे हेल्थ में कुछ बीमारियां वायरल होती है ना, ऐसे आदमी का स्वभाव, उसकी आदतें, ये सब भी वायरल है। अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारे काम करने में, हमारी सोच में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे एप्टीट्यूड में अगर कहीं निगेटिविटी है तो वो भी हमारी हेल्थ को खराब करती है और वायरल होती है। हम एक दूसरे से इस तरह के स्वभाव और निगेटिविटी को अपने समाज में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने परिवार में फैलाते हैं, और वैसा ही हमारा माइंडसेट होता जाता है जो कभी बदलता नहीं है।